दोस्तों, तो अब अपन देखेंगे अध्याय 5 प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक हमने देखा कि 40 तक सारभूत विधि थी, दंड की व्यवस्था थी यहाँ पर। अब यहाँ से प्रक्रिया क्या होगी एनडीपीएस में, इसको अपन जो है देखेंगे। वारंट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार, तो वारंट कौन जारी कर सकता है, तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम मजिस्ट्रेट या इस निमित्त सरकार राज्य सरकार द्वारा जो कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को सशक्त किया जाता है, तो वो भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जो है वारंट जारी कर सकता है। दिन या रात में कहीं भी तलाशी और गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है, ठीक है। अगर उसको विश्वास करने का कारण है कि भाई यहाँ पे ये कोई मादक पदार्थ मिलने वाला है, ठीक है, कोई अपराध मतलब होने वाला है, या किसी भवन प्रमाण या स्थान की तलाशी लेनी है, तो वो वारंट जारी कर सकता है। तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि वारंट जारी करने की शक्ति और प्राधिकार किसमें है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है इसकी वारंट जारी कर सकते हैं, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त कोई विशेष सख्त किया गया द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, ठीक है, और दिन रात किसी भी समय के लिए वारंट जारी कर सकते हैं, ठीक है। भवन प्रमाण और स्थान की तलाशी इसमें जो है हो सकती है, इतना ही आपको याद रखना है और कोई बात याद रखना नहीं है। दूसरी बात आती है, दूसरा चैप्टर अपन पढ़ लेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्वापक सीमा शुल्क राजस्व आसूचना विभागों या केंद्र सरकार किसी अन्य विभाग का, जिनके अंतर्गत देखो ये तो पुलिस हो गई, पुलिस के अलावा भी ये जो डिपार्टमेंट है सैन्य बल सशस्त्र बल भी हैं, राजपत्रित पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी से केंद्र सरकार द्वारा साधारण विशेष आदेश द्वारा इसने सशस्त्र किया गया अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व सदी नियंत्रण उत्पाद शुल्क पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी राज्य की सरकार के साधारण विशेष आदेश द्वारा इसने सशस्त्र किया है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई लिखी गई इत्तला से या विश्वास करने का कारण कि किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया तो ऐसी स्वापक औषधि बनाने पर नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, या अवैध रूप से अर्जित की गई कोई संपत्ति, तो इनके लिए भी जो है वो किसी को भी तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे दूसरा पैरा इसलिए पढ़ना आपको जरूरी है कि वहाँ मजिस्ट्रेट कर रहा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी कोई भी जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है साधारण विधि आदेश द्वारा, वो भी खुद या किसी अपने अधीनस्थ को जो है तलाशी का के लिए प्राधिकृत कर सकता है और वो तलाशी ले सकता है, ठीक है। तीन नंबर आती है, ऐसे अधिकारी को जिसको धारा 1 के अधीन कोई वारंट संबोधित किया गया है, और ऐसे अधिकारी को जो गिरफ्तारी तलाशी को प्राधिकृत किया गया है, ऐसे अधिकारी को जैसे धारा 2 के इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, धारा 42 का दिन कार्य करने वाली अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी। धारा 42 में अभी ऑफिसर्स पढ़ेंगे अपन, कौन कौन ऑफिसर्स हैं, तो उनकी सभी शक्तियाँ होंगी। अगर वारंट किसी को भी निष्पादित किया मतलब दिया गया है कि इसका निष्पादन करना है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया गया हो या राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, ठीक है। अब आती धारा 42, वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश तलाशी अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति, वारंट के बिना, ठीक है, या प्राधिकार के बिना, या तो गवर्नमेंट ने प्राधिकार भी नहीं दिया है और मजिस्ट्रेट ने वारंट भी नहीं दिया है, इन दोनों चीज़ों के बिना कब प्रवेश तलाशी और अभिग्रहण और गिरफ्तार कर सकते हैं, इसकी शक्ति कहाँ है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये सब जो है इतने विभाग हैं, ऐसा कोई भी अधिकारी चपरासी सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ है, केवल चपरासी सिपाही और कांस्टेबल ऐसा काम नहीं कर सकता, कांस्टेबल से ऊपर होता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल भी अगर चाहे उसको कोई सूचना मिलती है, ठीक है, या किसी या उसको कोई सूचना मिलती है कि यहाँ पर जो है कोई मादक पदार्थ मिलने वाला है या कोई अवैध इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो वह सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच, ठीक है, क्या कर सकता है, किसी ऐसे भवन प्रमाण स्थान में प्रवेश करेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। प्रतिरोध की दिशा में किसी द्वार को अगर कोई रोकता है नहीं आने देता है, किसी द्वार को तोड़ सकेगा, वहाँ से प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा, ऐसी औषधि पदार्थ उसके निर्माण प्रयोग सभी सामग्री या किसी अन्य वस्तु और किसी जीव जंतु या प्रमाण को जिसकी बाबत उसके पास विश्वास करने का कारण है कि मतलब उसे लगता है कि ये जो जीव जंतु है या वाहन है, ठीक है, इसको अभिग्रहण करना चाहिए तो और ये अपराध में संलिप्त है तो इनको अभिगृहित कर सकता है, ठीक है, प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है और अभिगृहित कर सकता है, ठीक है, और अपने पास जो है उसको निरुद्ध कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर
जो इसमें एक चीज और है कि अगर किसी लेसन से है किसी व्यक्ति के पास इन सब कामों को करने का और उसके यहाँ छापा मारना है, तो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का व्यक्ति जो है नहीं जाएगा, वहाँ पे कम से कम ऐसा ही होना चाहिए। बाकी जगह जो मैंने बताई है, यहाँ पर अगर तो हेड कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जिसको सेलेक्ट किया गया वो जो है जा सकता है, उसको सूचना मिली है, वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दे और सीधा तलाशी लेने के लिए पहुँच जाए। लेकिन सिपाही कांस्टेबल और सिपाही चपरासी कांस्टेबल की पंक्ति से जो है ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इस सेक्शन को पढ़ा। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि सबसे पहले परंतु अपन को इसका पढ़ना चाहिए, परंतु यह हुआ कि यदि ऐसे अधिकारी के पास अविश्वास करने का कारण तलाशी बारण के अपराधी के साथ छुपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो सूर्योदय और सूर्योदय के बीच किसी भी समय ऐसे भवन प्रमाण या परिवेष्ट स्थान में अपने विश्वास के आधार पर लेखबद्ध करने के पश्चात प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा। भवन जैसे मान लो अभी लोक स्थान के लिए बात थी 42 में कि लोक स्थान में अगर कोई बात आती है तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर लो, अगर किसी के घर वगैरह में घुसना है अगर, ठीक है, तो उसके लिए वारंट की आवश्यकता थी। लेकिन अगर उस अधिकारी को लगता है कि ये भाग जाएगा या इस माल को कहीं छुपा देगा फिर हमें मिल नहीं पाएगा, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच केवल रात को छोड़कर किसी घर में भी, प्रभारण में भी और किसी प्राइवेट स्थान में भी जो है जाके तलाशी ले सकता है। लेकिन ऐसे अपने कारण जो है उसमें लिखेगा, 72 घंटे के अंदर अपने वरिष्ठ अधिकारी को, पदी में वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देगा लिखित में कि हमने ऐसा ऐसा ये काम कर लिया है और ये हमारे यहाँ कंडीशन बन गई थी, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो भाग जाता या हम मिल नहीं पाता या छिपा देता या वो लोग बदल जाते, कुछ भी यहाँ पे कंडीशन हो जाती, इसलिए मैंने तलाशी जो है ले ली है। 43 आती है लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तारी की करने की शक्ति, अब ये पब्लिक प्लेस के लिए है। धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी, जो भी विभाग दिए गए हैं किसी भी डिपार्टमेंट का जिसको सशक्त किया गया है, ठीक है, पुलिस तो है ये, फिर उसमें का किसी लोक स्थान में अभिग्रहण में किसी ऐसे स्वापक औषधि या मनाप्रवाही पदार्थ, कौन कौन सी चीज़ें, स्वापक औषधि या मनाप्रवाही पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ को, ठीक है, उसके पास यह जो विश्वास करने का कारण है कि इससे प्रवरण हो रहा है, कोई जीव जंतु या वाहन से कोई वस्तु ऐसी जा रही है जो अधिहरणीय है, ठीक है, और ये इस अधिनियम के दंडनीय उल्लंघन कर रही है और ये साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग हो सकता है, ठीक है, और धारा अध्याय 5 का के अधीन अधिकरणीय है, तो क्या करेगा, उसको अभिहित कर सकेगा, अपने कब्जे में ले लेगा उस संपत्ति को और उस व्यक्ति को। ठीक है दोस्तों, अब इसको खाकों पर पढ़ते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया, निरुद्ध कर सकेगा, डिटेंशन में अपने ले सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, तथा यदि ऐसे व्यक्ति कब्जे में कोई स्वापक औषधि, देखो मतलब पब्लिक प्लेस से पाया गया तो उसकी क्या कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा। ऐसे व्यक्ति कब्जे में कोई स्वापक औषधि मनाप्रवाही पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे विधि विरुद्ध प्रतीत होता है तो उसके बारे में उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है, लोक स्थान की परिभाषा यह है कि जहाँ भी कोई भी व्यक्ति अधिकार पूर्वक जा सकता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, लोक स्थान कहलाता है। अब आते हैं कोका के पौधे, अपनी पोस्ट और कैबिनेट के पौधे संबंधित अपराधों के प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहणों और गिरफ्तार करने की शक्ति। तो अभी हमने जो है औषधियों मनाप्रवाही पदार्थ के बारे में पढ़ा था। अब कोका के पौधे, अफीम के पोस्ट, कैबिनेट के पौधे भी अगर पाए जाते हैं तो 41, 42, 47 की सेम सेम कंडीशन जो है यहाँ पर लागू होगी, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये माना जाएगा कि वहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं। तो चार चीज़ें हो गई, ठीक है, एक में वारंट हो रहा है जारी, वारंट में तलाशी हो रही है, ठीक है, फिर 43 में लोक स्थान में तलाशी हो रही है, 44 में इन पौधों वगैरह के लिए जानकारी दी गई है। धारा आती है 45, जहाँ अधिग्रहण के लिए दाई माल का अभिग्रहण साध्य नहीं है वहाँ पर प्रक्रिया, जहाँ पर उसको उठा के उस माल को नहीं लाया जा सकता वहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी। मान लो कोई खड़ी फसल है तो उसको कैसे लाएगा, तो उसको जिसको जो मालिक है जिसने फसल बोई है वहाँ पर निर्देश दे सकता है कि इस फसल की कटाई या अन्य बयान या कोई भी काम बिना अधिकारी की मंजूरी के, पूर्व अनुज्ञा के नहीं होगा। 40 कहती है अवैध खेती की इत्तला देने का भूधारक का कर्तव्य, तो यहाँ पर यह कि अगर किसी भूधारक के जमीन पे कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करता है, सॉरी खेती करता है, ये दंडनीय अपराध की,
तो उसकी ये उसका ये कर्तव्य है कि वो जाके पुलिस को सूचना दे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो दंड का भागी होगा। अवैध खेती की तरह जन कुछ अधिकारियों का कर्तव्य, गांव के जो सरपंच होते हैं, उप पंच होते हैं, अन्य अधिकारी, ठीक है, जो भी होते हैं सरकार के सभी अधिकारी, अगर उन्हें कहीं लगता है कि कहीं अवैध खेती वगैरह हो रही है तो वो जानकारी देने के लिए बाध्य हैं, उन्हें देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो दंड के भागी होंगे। 48, अवैध रूप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने की सख्ती, तो कोई महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, राज्य सरकार, जिस किसी प्राधिकारी को राजपत्र पंक्ति से नीचे का ना हो, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो है जो सख्त किया गया है, कुर्क करने का आदेश दे सकता है कि जो फसल वगैरह की अवैध खेती हुई है इसको कुर्क कर लो और अपने कब्जे में ले लो। 39 कहती है प्रवहन को रोकने और उसकी तलाशी लेने की सख्ती, अगर पता चल रहा है कि कोई प्रवहन है, किसी वाहन में कोई माल जा रहा है तो उसको रोकने की शक्ति है, अगर हवाई जहाज वगैरह में जा रहा है तो उसको लैंडिंग कराने की पावर है, और अगर नहीं रुकता है तो वहाँ पे गोली चलाने का भी अधिकार जो है अधिकारियों को हो सकता है, वो गोलीबारी भी वहाँ पे हो सकती है। बेशर्त जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी, तलाशी किन शर्तों के अधीन ली जाएगी, धारा 50 करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ धारा 42, 43, 41 और 43 के अधीन जो है किसी व्यक्ति की तलाशी लेने ली जानी है, अगर वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है कि हमें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाए और वहाँ पे हमारी तलाशी ली जाए, तो बिना विलंब के निकटतम राजपत्र अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे उसकी तलाशी ली जाएगी। अगर वो कहता है ये हमारी तलाशी इनके सामने लो तो ली जाएगी, जब तक अगर नहीं ले जा पाता है तो पुलिस अधिकारी उसको अपने पास निरुद्ध रखेगा और फिर बिना विलंब के कहाँ ले जाएगा, उनके पास ले जाएगा, और अगर मजिस्ट्रेट या राजपत्र अधिकारी को लगता है कि इसके कोई कारण नहीं तलाशी लेने का, उसको छोड़ देगा, अन्यथा की स्थिति में उसकी तलाशी ली जाएगी, ठीक है, लेकिन किसी स्त्री की तलाशी बिना किसी स्त्री के जो है नहीं ली जाएगी। ठीक है, अगर धारा 5 कहती है अगर उस अधिकारी को लगता है कि अगर ये माल ज़्यादा है, किसी वाहन में है, बैग में है, मतलब इस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाता है तो इसलिए माल से अलग हो जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में वो कहीं नहीं ले जाएगा और वहीं वहाँ पर ही जो है तलाशी कर सकता है और करेगा, ठीक है, लेकिन 72 घंटे में ऐसा कर लेता है, उनके सामने नहीं ले जाता है, 72 घंटे के अंदर अपने वरिष्ठ अधिकारी को उसकी सूचना भेज देगा। ठीक है, आती है इनके दंड प्रति संहिता 1973 के उपबंधों का वारंट गिरफ्तारी तलाशी अभिग्रहण को लागू होना, जहाँ तक वो इस अधिनियम से असंगत नहीं होंगे, गिरफ्तारी तलाशी अभिग्रहण के नियम वो लागू होंगे यहाँ पे, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहित वस्तुओं का निपटारा, ठीक है, तो 42, 43, 44 के दिन जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं या वस्तुएँ हैं तो इनको मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना विलंब के जो है पेश किया जाएगा, ठीक है, और वो या तो उसको सुपुर्दनामा देगा वस्तु को या नहीं देगा, व्यक्ति को जेल भेज देगा या जो भी उसको करना होगा अपने हिसाब से वो करेगा, ऐसे उसका जो है निपटारा किया जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी जो है धारा आती है अभिगृहित स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थों का बयान, तो केवल इतना पढ़ना है कि 52 काम ये सभी जानते हैं अपन लोग लॉ वाले की बयान, मानो मजिस्ट्रेट उसका फिर बता देगा लास्ट में ऑर्डर करके कि इनका क्या करना है, इनको फेंकना है, नीलामी करनी है या किसी दवाई की कंपनी को देना, क्या करना है उसका, तो उसमें ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। 53 पुलिस, 53 जो है अपनी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी की शक्तियाँ कुछ विभागों के अधिकारियों में निहित होना, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात जो पुलिस की शक्तियाँ हैं इस मामले में, इस अधिनियम के मामले में, वो अन्य डिपार्टमेंटों के जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, स्वापक सीमा शुल्क है, राजस्व सूचना है, या किसी मिलिट्री फोर्सेस से, इनको भी शक्तियाँ दे सकते हैं कि आप भी पावरफुल हैं ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए, अगर आपको कहीं कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो आप गिरफ्तार कर लें, बाकायदा कोई दिक्कत की बात नहीं है। कतिपय परिस्थितियों में कथनों की सुसंगति, अगर अन्वेषण में कोई कथन हो जाते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अपराधों का अन्वेषण करने के लिए धारा 53 के अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष, कोई प्राधिकारी है जिसने धारा 53 के सशक्त किया है अन्य लोगों को जो पुलिस डिपार्टमेंट के नहीं है, ऐसे अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई हस्ताक्षरित कथन है, उसने साइन करके कोई कथन दिया है, उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों की सत्यता साबित करने के प्रयोजन के लिए इस दिन के दिन किसी अपराध में किसी अभियोजन में सुसंगत होगा कि ये सत्य था कि नहीं, तो वो सारे जो कथन लिए गए हैं यहाँ पर रिलेवेंट होंगे और उनकी गवाही दी जा सकती है। कंडीशन,
जब ऐसा कथन करने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वह मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है या उसकी उपस्थिति से निलंब व्यय की बिना जितना की माल की उपस्थिति में न्यायालय अयुक्त समझता है अभी प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब मान लो मर गया है कोई व्यक्ति या बहुत ज़्यादा बाहर चला गया है या लाखों रुपये का खर्चा होना है तो जो बयान हस्ताक्षर थे वहाँ पर जो उसने दिए थे वही बयान यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगे, उन्हीं को पढ़ लिया जाएगा, इस व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। खा, जब कथन करने वाले व्यक्ति के न्यायालय के समक्ष मामले में साक्ष्य में परीक्षा की जाती है और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में कथनों को साक्ष्य में ग्रहण कर लिया जाना चाहिए और जब वह व्यक्ति साक्ष्य देने आता है यहाँ पर न्यायालय में उसे लगता है कि ये कथन भी पढ़ने की आवश्यकता है तो वो उसको ले लेगा, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है कोर्ट के लिए। ठीक है। आप उपधारा दो पढ़ते हैं। उपधारा एक बंद जहाँ तक हो सके नियम है उसका दिन बनाएगा, किसी नियम का दिन किसी कार्रवाई के संबंध में जो किसी न्यायालय के समक्ष कार्रवाई से भिन्न है उसी प्रकार लागू होंगे, ये यही कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। चंगुआन आती है अवैध वस्तु में कब्जे की उदाहरण। तो जब कोई बनापरवाही पदार्थ या ऐसी इलीगल सामग्री आपके पास मिलती है किसी व्यक्ति के पास तो ये अवधारणा करेगी कोर्ट कि आपका जो है आप इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले थे और आपका अविधिपूर्ण उद्देश्य था, आप अपराध करने वाले थे। ठीक है। 55 और 56 छोड़ देना। 56 में केवल ये है कि सब पुलिस अधिकारी एक दूसरे की सहायता करेंगे बाध्य हैं इस अधिनियम के अंतर्गत काम करने के लिए। गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट, जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के मतलब जो कोई व्यक्ति है ठीक है गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है किसी संपत्ति का ठीक है तो 48 घंटे के भीतर अपने पदीय कर्तव्य में वरिष्ठ व्यक्ति को इसकी सूचना देगा। 57 ये बात कहती है। ठीक है। 57 छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना। अब आती है 58, तंग करने वाले प्रवेश तलाशी अभिग्रहण या गिरफ्तारी के लिए दंड। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मिथ्या सूचना देता है कि किसी व्यक्ति को तंग किया जाए ठीक है और तलाशी लगवाता है तो उसके लिए 6 माह तक की सजा का प्रावधान है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना। लेकिन अगर जब ये साबित हो जाता है कि उन्हें दुर्भावपूर्वक ये गलत सूचना दी थी 2 वर्ष तक की सजा हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया सकेगा। यह उस व्यक्ति के लिए है जो तंग करने को उद्देश्य से पुलिस को बुलाया, किसी व्यक्ति के यहाँ कह दी कि इसकी यहाँ इतना इतना माल पड़ा है तो बेचारी पुलिस ही परेशान हुई और वो व्यक्ति भी परेशान हुआ। ठीक है। अधिकारी कर्तव्य में असफलता या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसकी मनानुकूलता। ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति अधिकारी अपने कार्य प्रवत रहेगा, जानबूझकर वहाँ पर काम करने नहीं जाएगा, कोई अधिकारी तलाशी वगैरह नहीं लेगा या सूचना नहीं देगा तो उसको भी 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है। लेकिन उपधारा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना पड़ेगा। कोई अधिकारी जिस पर इस अधिनियम द्वारा इसके दिन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि आपको ऐसा कर्तव्य करना है, किसी व्यसनी या किसी अन्य व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है उसकी अभिरक्षा सौंपी गई है और वो कर्तव्य में लापरवाही करता है या मौन अनुकालता के द्वारा उसकी सहायता करता है कि ऐसा हो जाने दो, तब उसको ऐसी 10 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और 20 वर्ष तक की हो सकेगी। जुर्माना 1 लाख से कम नहीं होगा किंतु 2 लाख तक का हो सकेगा। ठीक है। इस बड़े दंड से दंडित किया जाएगा जब जानबूझ के वो होने देता है, उसकी ड्यूटी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब जानबूझ के होने देता है और पर्याप्त कारण भी नहीं बताता है। ठीक है। अब अवैध औषधियों पदार्थों पौधों और वस्तुओं और प्रवाहनों का अधिग्रहण किए जाने का दायी होना। ठीक है। सर गवर्नमेंट चाहे तो इसको अपने अधिग्रहण में ले सकती है, कई पदार्थ मिले हैं, पौधे मिले हैं, वस्तुएं मिले हैं, वाहन वगैरह मिले हैं तो उनको अपने कब्जे में ले सकती है कि ये हमें अब वापस नहीं करना है, न्यायालय के निपटारे तक ये हमारे पास ही रहेंगे ताकि इनसे आगे का और जो कोई है इनसे अवैध व्यापार या अवैध कार्य ना हो पाए। धारा 60 अधिग्रहण की कार्रवाई की दोस्तों बात करती है। अवैध औषधियों का पदार्थ को छिपाने के लिए उपयोग में लाया गया माल का अभिग्रहण। जो अवैध औषधियाँ या पदार्थ हैं इनको छिपाने के उपयोग में जो भी माल लाया जाता है छिपाया जाता है तो सारा का सारा माल वो क्या है अधिहरणीय होगा। धारा 61 कहती है। ठीक है। कि सारी चीज़ें वो क्या कर ली जाएंगी, अधिहरित कर ली जाएंगी।
बासठ कहती है अवैध औषधियों या पदार्थों के विक्रय के आगमों का अधिग्रहण। मान लो कोई अवैध औषधि या पदार्थ है, उसका विक्रय हुआ, जो भी पैसा उससे आया या पैसे से जो संपत्ति बनाई गई है उसका भी अधिग्रहण गवर्नमेंट कर लेगी और बोल लेगी भैया इसके मालिक आप नहीं हो, इसके मालिक अब हम हैं। अधिग्रहण करने की प्रक्रिया इसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रक्रिया दी गई है अपनी 63 में। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण में चाहे अभियुक्त को सिद्ध दोष मुक्त अनुमोचित किया जाता है, न्यायालय या विनिश्चय करेगा। विनिश्चय कौन करेगा? न्यायालय। कि क्या इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहित कोई वस्तु या चीज धारा 60, 61 के अधीन अधिग्रहण की दायी है और यदि वह निश्चय करता है कि इस प्रकार अधिग्रहण के लिए दायी है तो वह तदनुसार अधिग्रहण का आदेश देगा कि भैया ये गवर्नमेंट में राजसाज जो है हो जाएगी। जहाँ इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहित कोई वस्तु या चीज धारा 60, 61 या 62 के अधीन अधिग्रहण के लिए दायी होती है किंतु वह व्यक्ति जिसने उसके संबंध में अपराध किया ज्ञात नहीं है, पाया नहीं जाता सकता है, वहाँ न्यायालय से दायित्व के बारे में जांच कर सके, तदनुसार अधिकरण का आदेश कर सकेगा जांच करने के बाद, ठीक है। परंतु जैसे मान लो उसको मिलती है कोई वस्तु के या कोई यदि माल पड़ा मिलता है किसी कार वगैरह में और तो उसका कोई मालिक नहीं है तो उसके विरुद्ध भी वो अधिग्रहण का आदेश पारित कर सकता है, लेकिन एक माह का इंतजार करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति इस पर दावा आपत्ति लेने के लिए तो नहीं आता है, ठीक है। और अगर कोई मान लो चीज़ ऐसी थी कि तो 6 सील खराब हो जाती है, उसका विक्रय कर दिया जाता है तो उसके आगम सुरक्षित रखे जाएंगे 1 महीने तक, और अगर कोई याद आता है तो उसको वो वापस कर दिया जाएगा। अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति। अगर गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट की यह राय है कि किसी व्यक्ति को उनको लगता है कि अपराध तो हुआ है लेकिन कोई साक्षी नहीं है, तो किसी व्यक्ति को इस बात से उन्मुक्ति दे सकता है कि आप सरकारी गवाह बन जाओ, सही सही बात बताओ, आपको हम छोड़ देंगे, बाकी लोगों के बारे में अपराध के बारे में जानकारी दो, तो उन्मुक्ति दे सकता है, उसको अनुमोचित कर सकता है। यह पावर्स गवर्नमेंट को है, केंद्रीय राज्य सरकार को 64 में। अब आती है ऐसे व्यक्तियों को अभियोजन से अनुमति से सुरक्षा उपचार कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो बिल्कुल लत लग चुकी है, ठीक है, और वो कहते हैं कि हम उपचार करा रहे हैं, हमें ये लत छोड़ने की फिराक में, तो उनको भी गवर्नमेंट अनुमति दे सकती है कि चलो ठीक है, आप पे कोई ट्रायल लाइन चला जाएगी, आप सुधरो और इन सब चीज़ों का मत लगो, ठीक है। कुछ मामलों में दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, ठीक है। ऐसा अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा पेश की जाती है, दी जाती है कोई दस्तावेज, ठीक है, या किसी व्यक्ति की अभिलक्ष नियंत्रण में से अभिग्रहित की जाती है, दोनों मामलों में, या इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसका किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिकथित है, अनुमेदन के अनुसार बाहर से बाहर किसी स्थान में, ठीक है, प्राप्त की जानी है, तब सुनो, ऐसे दस्तावेज अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन के विरुद्ध या उसके और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसका उसके साथ संयुक्त रूप से विचारणा किया जा सकता है, साक्ष्य पेश की जाती है, वहाँ न्यायालय जब तक तत्काल प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए तब तक यह धारणा करेगी कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की हस्तलिखित में वहाँ तात्पर्य है, जिसके बारे में न्यायालय व्यक्तिगत रूप से अवधारणा करेगा कि वह किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। जब तक तत्पर्य साबित न कर दिया जाए तो ये माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के उस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर हैं ये उसी व्यक्ति ने ही निष्पादित किया है। अगर आपका कहना है कि उसने निष्पादित नहीं किया है तो आपको साबित करना है कि ये उस व्यक्ति ने निष्पादित नहीं किया है, अन्यथा वो कोटे पर जमसन करके चलेगी कि उसी व्यक्ति ने निष्पादित जो है किया है, ठीक है। इसको और ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, जानकारी आदि मांगने की शक्ति है केंद्र सरकार राज्य सरकार की, इसको भी छोड़ना है आपको, बस करना हो तो इतना याद कर लेना कि उसमें इतना ये लिखा हुआ है। अब आता है प्रकीर्ण अध्याय 6, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कुछ धाराएं में भी पढ़नी है अपन को, बाकी बस सद्भावपूर्वक कार्रवाई की गई के लिए जो है संरक्षण की यहाँ पर प्राप्ति की गई है कि अगर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाएगा किसी नियम या निकालेगा किसी आदेश का अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने आश्रित किसी बात से कोई बात अभियोग अन्य विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो सद्भावपूर्वक पूरी सावधानी के बाद कोई कार्य करते हैं और उनका कार्य मान लो नहीं पकड़ निकलता है, ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को पकड़ा उनने, ठीक है, वो ले गए और न्यायालय ने बाद में उन्हें दोष मुक्त कर दिया, ठीक है, तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई की संरक्षण उनत्तर देती है। नहीं तो बाद में वो व्यक्ति केस कर दे उन पर जाकर कि न्यायालय ने तो हमें निर्दोष साबित किया है, तुमने हमें क्यों पकड़ा था, तो वो तो फंस जाएंगे बेचारे, लेकिन उनकी कार्रवाई सद्भावपूर्वक थी, उनने सद्भावपूर्वक कार्रवाई की है, इसलिए उनके ऊपर कोई सिविल या दांडिक दायित्व नहीं आएगा, वरना वो तो बेचारे वो भी जेल जाते
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का ध्यान रखा जाना, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर नियम बनाएंगे और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होती हैं उनका ध्यान रखते हुए नियम बनाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कोई 71 इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये अधिकारिता का वर्जन धारा 73 में, इसको अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कोई सिविल न्यायालय ऐसे नियम के अधीन या इसके अधीन बनाएगा किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित किसी विषय पर किए गए किसी विनिश्चय अपराध किसी आदेश के विरुद्ध कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। कोई नियम वगैरह के बारे में, ठीक है, क्या नहीं करेगा, कोई सिविल सूट जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। अफीम पॉलिसी क्षेत्र के लिए किसी अनुज्ञप्ति विधान इंकार या रद्द, ठीक है। अफीम की क्वालिटी और उसके गाढ़ेपन के अनुसार त्वरित परीक्षा वर्गीकरण तथा ऐसी परीक्षा के अनुसार मानक की उनकी कटौती या उसमें परिवर्तन, यदि अभी में अधिग्रहण जो किसी भी विजातीय पदार्थ से अपमिश्रित पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इनके संबंध में क्या नहीं करेगा, ठीक है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा अगर इनके बारे में कुछ भी। ऐसा नहीं कि भाई हमारी अफीम की सरकार नियुक्त कर ली दान से बिल्कुल लगाने पहुँच गया कि हम तो इसके मालिक थे इनने कैसे, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। 73 जो है वर्जित करती है इसको, ठीक है। अब इसके बाद आना है अपना जो अपन को सेक्शन पढ़नी है प्रत्ययोजन की शक्ति, ठीक है। केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहती है अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, ऐसे नियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों कृत्यों को नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय सारी शक्तियाँ किसको, स्वापक आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकती है गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार की जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं वो किसको प्रत्यायोजित कर सकती है, जो स्वापक आयुक्त को अपने नियुक्त कर सकती है केवल नियम बनाने की शक्ति के अलावा, ठीक है। राज्य सरकार भी अपने किसी अधिकारियों को ये शक्तियाँ जो क्या कर सकती है, डेलीगेटेड कर सकती हैं कि आप इनका इस्तेमाल करो। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की 76 में दोस्तों, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति 78 में है, ये भी आपको एक बार याद कर लेना है, ठीक है। अब बाकी राज्य और विशेष विधियों की व्यावृत्ति है उनको सेव की गई है, अगर राज्य में कोई स्पष्ट कानून है तो ये फिर NDEPS पर वो ज़्यादा प्रभावी होंगे, ठीक है, और वो लागू होंगे, ठीक है, विशेष विधियों की, ठीक है। तो इस तरीके से निरसन और व्यावृत्ति कौन कौन सी है, तो 82 में निरसन और व्यावृत्ति, अफीम अधिनियम 1857, अफीम अधिनियम 1878 का, और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम 1930 इसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अफीम के बारे में अलग अधिनियम था, मादक द्रव्य के बारे में अलग अधिनियम था, तो इन सबको निश्चित कर दिया गया और एक अधिनियम जो है पूरा का पूरा बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसके पहले की जो कार्रवाई थी उन अधिनियम की वो सारी की सारी वैध मानी जाएंगी। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति की उसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये एक्ट पढ़ा, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास किया। अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।